मेरा नाम सदानंद शेट्टी है, आपका नाम क्या है? मैं न्यूज़ में काम करता हूँ। और मुझे 5 साल पहले मेरे को अटैक आया था, तब मुझे मीरा रोड तलोर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और नॉर्मल मेरा चेकअप ये सब चल रहा था सर, उसके बाद अचानक मैं बॉम्बे में शूट कर रहा था तो अचानक फिर वापस मेरे को अटैक आया, तो मुझे जे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ मेरे को एडमिट किए और वहाँ पर फिर वापस मेरा हार्ट अटैक का थ्रेड बैठ आया मेरे को। तो फिर मेरा दवाई कंटिन्यू चालू हुआ सर, क्योंकि 2 बार मेरा हार्ट अटैक आया था इसके लिए। तो मैं बार बार टीवी देखने के टाइम पे मैं सोचता था कि एक बार जाओ मुनीर साइंटिस्ट को मिल लो और उनसे दवाई लो बोल के। तो एक बार सर ऐसे संयोग आ गए, वो हम पूछे थे शूट के लिए, तो सर को मालूम पड़ा कि मुझे हार्ट अटैक आ चुकी है, तो उन्होंने सामने से मुझे दवाई दी और वो कोरक पीते मुझे एकदम मैं तंदुरुस्त हो गया सर। और उन्होंने कंटिन्यू मेरे को एक बोतल दवाई दी, उसमें मैं पीते गया। उसके बाद 2 बार मेरे को इंजेक्शन भी लगाए। तो सर अभी मैं बताऊँ कि मैं एक गोली नहीं खाता हूँ, जो रेगुलर मैं हर सुबह उठते 15 गोली और दोपहर होते फिर 10 गोली खाओ, फिर रात को फिर वापस 15 गोली खाओ, यानी दवाई का जो रिएक्शन मेरे लिए बहुत भारी करता था। कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, कभी मैं बहुत मतलब अपने आप को चिड़चिड़ापन में रहता था मैं। और जब से साइंटिस्ट मुनीर खान की दवाई ली है, तब से मैं अपने आप को एकदम ताजगी महसूस करता हूँ मैं, और एकदम तंदुरुस्त रहता हूँ, और बहुत अच्छा मेरा मतलब पूरा बॉडी के मेरी एकदम अलग ही एक ये हो गई है सर, ताकि मैं ऐसे मेरे को महसूस ही नहीं होता कि मेरे को 2 बार हार्ट अटैक आ चुकी है उनके। सर वो तो मेरे लिए तो भगवान है, क्योंकि ये देखो हमारे जैसे गरीब को उन्होंने बिना ये किए दवाई दी है और सामने से, और इतना प्यार से दिए कि वही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। मैं तो उनको भगवान मानता हूँ सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने सामने से बुला के बैठा कि एक बच्चे की तरह। कभी हमसे ऐसे ये नहीं किए कि एक पेशेंट है ये इसको नहीं बैठा, सर नहीं, सामने से बैठा है उन्होंने, हमको दिल से उन्होंने दवाई दी है सर।